महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को जन्म जयंती के अवसर पर नमन किया और साथ ही उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित गांधी पार्क में भी उनकी प्रतिमा पर माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया है और भारत को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजान दास और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। महात्मा गांधी, संजय भाई, सौरभ भाई, वहीं लाल बहादुर शास्त्री, राहुल अग्रवाल जी, सब इन दोनों यहाँ बापू ने सत्य और अहिंसा सुरेंद्र जी, वहीं विजय प्रताप जी, बलवंत सिंह जी, साथ की सरलता और मानवीय का पाठ हम सब के लिए वो छोड़कर गए हैं। हमें उस रास्ते पर चलकर जहाँ आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी सभी का स्वागत और धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी का, युवा मुख्यमंत्री जी, सभी को उसमें हमारे सांसद श्रीमती माला राजे लक्ष्मी शाह, हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि उनके बताए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दुनिया का श्री महेंद्र भट्ट जी, मोदी जी के साथ संकल्प लेते हैं, विशाल गुप्ता जी,